दादा के यहाँ आए हैं, अहमदाबाद में, कलकत्ता में नहीं है। क्योंकि पहले एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन दूसरे एपिसोड में बता दूं, कलकत्ता के अभिजीत दादा यहाँ जॉब करते हैं अहमदाबाद में, और कबूतर का शौक कर रहे हैं। तो मद्रासी का अच्छा खासा नॉलेज है। पहला एपिसोड मद्रासी पे फोकस करके बनाया है, दूसरा एपिसोड इनके मद्रासी कबूतर है, कुछ देसी कबूतर है और कुछ पंजाबी कबूतर है, वो देखेंगे और आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे। तो दादा कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो अज्जू भाई? बिल्कुल मस्त, एकदम मस्त कलंदर कह सकते हैं आप। अभी आपके हाथ में क्या है कबूतर? ये बॉर्डर का गोल्डन है। मैं कुछ मेरा कलकत्ता में भी है घर का, दुबई से मैं इंपोर्ट किया था। अच्छा, ये भी एक फॉरेन से मैं इंपोर्ट करके रखा हूँ। अच्छा, गोल्डन आइस का अंदर एकदम बेमिसाल कबूतर है। अच्छा, बॉर्डर वाला? बॉर्डर वाला, जबरदस्त दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा शौक करते हैं हम, है ना, बैक कैमरा करके, और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दादा के पहले नंबर ले लेता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मद्रासी के बारे में कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो। जी दादा, आपके नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8961412488। ये मेरा कॉलिंग नंबर है एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों सेम ही है। दोस्तों जॉब करते हैं तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, कॉल पे कॉल मत करिएगा, ठीक है? मैं भी आपको जो नंबर देता हूँ उस पर व्हाट्सअप ही कॉल ही करिए, मैं कॉल नहीं उठाता हूँ अननोन नंबर से, ठीक है? तो इसी तरीके से दादा को भी कोई अगर कॉल नहीं उठाता तो व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दो, वो देखेगा तो आपको रिप्लाई करेगा। चलिए इसी मैसेज के साथ एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दादा ने एक और, ये कबूतर मद्रासी नहीं है, इन्होंने रखा हुआ है। अब दादा इसके साथ आपका क्या प्लान है? डेफिनेटली इसका मैं जेनरेशन निकालूंगा, अभी दो तीन मद्रासी ही लगाओगे इसके साथ? नहीं 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 मैं मद्रासी नहीं लगाऊंगा इसके साथ, मैं टेराई करूंगा कोई पंजाबी बच्चे के साथ या कोई अच्छा मादी के साथ, इसका क्रॉस करके मैं बच्चा निकल के उसका रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दादा के पास एक खूबसूरत पुरानी नस्ल का एक मद्रासी कबूतर है, वो दिखाते हैं। जी दादा, ये मेरा उस्ताद के जो झंटू बौद्ध है उनका घर का ब्रीड है, ये ऑलमोस्ट 10-12 साल का पुराना कबूतर है, मैड्रासी। अच्छा, इसका आप देख सकते हो, आँख देख के आपको पता चल जाएगा ये कितना उम्र का रहेगा, और इसका जो नस्ल है आप सोच भी नहीं सकते, इतना पावरफुल नस्ल का कबूतर है। अभी भी अंडे बच्चे कर रहा है? सब कुछ कर रहा है। ये एक कलकत्ता का दासू ब्रीड करके है, दासू ब्रीड का एक नौर है। अच्छा, फेमस दासू ब्रीड है, उसका नौर है, वहाँ के लोकल जो ब्रीडर होते होंगे उन्होंने नाम रखा होगा, है ना? वो चैंपियन वगैरह हो। यस, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत दोस्तों, ये 12 साल पुराना कबूतर है, देखिए ये देखने मिलता है। मैंने आपको इससे पहले 17 साल पुराना भी एक कबूतर दिखाया है, तो इस तरीके से कबूतर की उम्र अगर संभाला जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा उस्ताद के पास ऑलमोस्ट 10 साल का ऊपर है और मेरे पास 2 साल से ये है, मतलब 12 साल जैसा हो गया इसको। डेफिनेटली 12 साल का उम्र है इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों दादा जब तक एक आध और कबूतर निकालेंगे, मैं आपको दादा से एक सवाल पूछता हूँ। दादा अभी बारिश में आप क्या फूड में बदलाव करते हैं, या पूरे साल आप क्या फूड देते हैं अपने कबूतरों को? मेरा कबूतर को जो मैं फूड देता हूँ वो मिक्स फूड देता हूँ, उसके अंदर गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, सरसों है, और जो हम लोगों का मसूर दाल, ये सब मिक्स करके मैं इन लोगों को फूड प्रोवाइड करता हूँ। ओके, और बेसिकली पूरे साल कंटिन्यू मैं यही रखता हूँ, पर्टिकुलर कोई ये नहीं रखता हूँ, बट ये लोगों को ग्रीड ग्रीड का ऊपर मैं जोर देता हूँ। ग्रीड जब जितना अच्छा है, हाजमा अच्छा हो। यस, ग्रीड के लिए मेरा उस्ताद ने कुछ टिप्स दिया था, उस हिसाब से मैं इसका ग्रीड बना के ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए दादा कुछ और कबूतर दिखाइए। यहाँ पे क्या है, हम अंदर ही देख लेते हैं सारे कबूतर। जो है मैं छोटा सा सेटअप किया, ये सब पूरा का पूरा मादी का सेटअप है। अच्छा, इसके अंदर पूरा मादी है। जब ब्रीडिंग बंद करना है तो मादियों को यहाँ रख देंगे आप? यस। ठीक है दोस्तों, ये आपके लोफ्ट में होना जरूरी है अगर आप धीरे धीरे अच्छे कबूतरबाज बनना चाहते हैं तो। दादा ये लंबी गर्दन वाला कौन सा कबूतर है? सब मद्रासी है, सब मद्रासी मद्रासी है, सब पूरा का पूरा मद्रासी है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लॉफ्ट में मैं कह रहा था कि आप कबूतरबाज बनना चाहते हैं ना, तो 2 पिंजरे होने चाहिए, एक सारे मेल अलग करने के लिए, एक सारी फीमेल, क्योंकि ब्रीडिंग बंद करवाना, रेस्ट देना भी साल में ज़रूरी है। और ये कब रेस्ट दिया जाता है दादा? बेसिकली मैं साल में 2 बार ही बच्चा करवाता हूँ। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए डालता हूँ। अच्छा, 6 महीने का एक मैं प्रिविजन बना के रखा हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये लोगों का ब्रीडिंग करवाता हूँ। ठीक है, साल में 2 बार, सिर्फ साल में 2 बार। ज़बरदस्त दोस्तों, देखिए कितनी इनमें मानवता है, कितने ये पंछी प्रेमी है, वरना मैंने देखा लोग पूरे साल अंडे बच्चे लेते रहते हैं और एक टाइम पे जो फीमेल वो है
वो आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है, आपकी ब्लड लाइन ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर ब्रीडिंग भी नहीं करना है किसी भी जानवर में, उनको साल में रेस्ट देना है। ठीक है, हम इंसान भी कोई बच्चे की मशीन तो है नहीं कि बच्चे पैदा करते रहते हैं, हम भी दो बच्चे, एक बच्चे, कोई चार बच्चे पे जाके अटकता ज़रूर है। ठीक है, तो इस तरीके का इनमें भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी फ़ीमेल आप देख लीजिए नीचे का, ये बेसिकली मैं ब्रीडिंग के लिए रखा हूँ। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए पूरा आपने पिंजरा बनाया है ना, देसी जाली से? यस। अच्छा, पूरा पक्का जो नेट का पूरा बना हो, तीन इसका इसमें बीड है, तो मैं इसका ब्रीडिंग वाला बच्चा किसका निकला हुआ है? ये एक मद्रासी और पंजाबी का मिक्स करके मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, उसका बच्चा है। ठीक है, अब दादा आपने पंजाबी कबूतर बोला, पंजाबी कबूतर कैसे उड़ने में कैसे होते हैं? बेसिकली पंजाबी कबूतर जो उड़ता है ये अभी का टाइम पे एकदम अभी जैसे मद्रासी जैसे पक्का नस्ल है, ये मलवाई भी पक्का नस्ल है, ये 90% कबूतर तो मिस्टेक नहीं होता है। एक बार जो कबूतर उतर गया वो मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये भी कबूतर घर के पक्के होते हैं? इतना पक्का होता है। और उड़ान में इसके बारे में भी यहाँ गुजरात में ये है कि भाई मलवाई और पंजाबी कबूतर जो है बहुत ऊपर नहीं जाते। ये तो मैं आपको कभी भी आओ तो मैं उड़ा के दिखाऊंगा। अच्छा, कोई भी जो मलवाई उड़ाऊंगा तो 10 मिनट के अंदर ये पंजाबी है ना? नहीं नहीं, ये मद्रासी है। ये मद्रासी वाइट? यस, ये पंजाबी है। ये पंजाबी है? अच्छा, पंजाबी मेल है? मेल पंजाबी है, बड़ा नौमादी मद्रासी है। और वो मादी अंडे पे बैठी है वो? यस, yes, वो भी मद्रासी है। ठीक है, मतलब अच्छे उड़ते हैं आपका ये कहना? डेफिनेटली दोस्तों, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा ये खुद उड़ा के इन्होंने देखे हैं कबूतर, इसलिए ये आपको बता रहे। तो अब दादा एक पंजाबी अच्छा वाला आपका जो फेवरेट कबूतर है वो निकालिए। दोस्तों आप उत्तर भारत में जाएंगे ना, उत्तर भारत में ऐसा ही दादा ने जो है कबूतर जाली से बनाया, ऐसा मजबूत जाली से वहाँ बनाते हैं, और ऐसे धूप खिलाना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज विटामिन डी इससे मिलता है। जो हमारे गुजरात में ज़्यादातर लॉफ्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं लोग कि लॉफ्ट पूरा बंद होता है, कहीं से धूप नहीं आती, धूप के लिए आपको उनको पूरा बाहर निकालना होगा। ये देखिए बाहर वाला जो कबूतर है वो जाली के अंदर आना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बनाएंगे ना लॉफ्ट, तो इससे इनको धूप के लिए आप छोड़ सकते हैं 1-2 घंटे, और आप कहीं पे जा भी सकते हैं। मेरा जो जी दादा पंजाबी जो नस्ल है उसके अंदर एक फेवरेट मेरा फेवरेट एक कबूतर है, जो अब कोई भी देख के इसको पसंद कर लेगा, बिना देख के इसको पसंद कर लेगा, क्योंकि इसको देखने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों गुजरात के अंदर और अहमदाबाद के अंदर कुछ नया शौक़ हमने किया। वैसे तो देसी बाजरे कबूतर है, आप यहाँ पे सिलेटिया कबूतर है, वही हमारे जो चली आ रही है रघुकुल रीत सदा चली आई, वही चल रहा था, लेकिन यह दादा ने कुछ यहाँ पर एक नया कल्चर लेके आए हैं। आई होप के थोड़ा कल्चर बदलेगा इस वीडियो के बाद। और दादा से आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको कोई हेल्प चाहिए तो। डेफिनेटली, बहुत खूबसूरत कबूतर है दादा। मेरा जितना नॉलेज है ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगा। घर का अभी जस्ट रिसेंटली बच्चा निकला था, उसका वही है दासू ब्रीड का एक नॉर है। ये मेरा पक्का छल्ला भी है, मेरा नाम का मेरा लॉफ्ट का नाम है अबनी लॉफ्ट, मेरा जो यस मेरा डॉटर का नाम पे है, नाम है। मेरा इसमें मोबाइल नंबर भी मेंशन है। ठीक है, फिर से एक बार बता दीजिए मोबाइल नंबर ताकि लोगों को। मेरा मोबाइल नंबर है 8961412488। तो दादा ये किस में से बना है, ये कबूतर कौन सी नस्ल? ये दोनों दासू का ही है। अच्छा, दासू मतलब प्योर पंजाबी, प्योर मद्रासी, प्योर मद्रासी। मम्मी पापा दोनों दासू ही है। हाँ, तो उससे निकाला हुआ ये कबूतर है। अच्छा, अच्छी सुराहीदार लंबी गर्दन है इसकी। यस, ठीक है। इसको आपने चेक किया अभी, उड़ा के चेक किया अभी? जस्ट अभी ये बारिश खत्म हुआ तो अभी छोड़ने का प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों देखने में लग रहा है। ठीक है, अब दादा दो नस्ल आपने क्रॉस की और उसका कोई बच्चा हो तो दिखाइए। एक मद्रासी एंड पंजाबी का मिक्स करके मैं बच्चा निकाला हुआ है, वो ऑलरेडी 7 घंटा मेरा घर में उड़ के उड़ा हुआ है कबूतर है। ये मैं गर्मी में जब 45 डिग्री गर्मी था उस टाइम मैं 7 घंटा उड़ाया था। अभी अच्छा। इसका पॉट पटाई करके इसका उड़ाने का फिर प्रोसेस चल रहा है। अच्छा,
अच्छा आप देख सकते हो इसका ऑलरेडी दाना आ गया और दो बाकी है, दो कली है। हाँ, दो कली बाकी है। अभी आपने बोला था छोड़ा था इसको, है ना? हाँ ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा कबूतर है, खूबसूरत, और ये पंजाबी और मद्रासी का क्रॉस है। ठीक है, आइस दिखाओ ना दादा इसकी। इसका आइस है हाफ योलो में है, आप आपको ब्लैक में मिलेगा, दोनों साइड का, दोनों साइड में। और दोस्तों दादा, जैसे हमारे गुजरात में जो है, मैं थोड़ा सा सवाल आपको कर रहा हूँ कि भाई आइस पे बड़ा फोकस करते हैं, भाई वाइट आइस होनी चाहिए, पतली धारी होनी चाहिए, पानी धार होनी चाहिए, तो आप क्या देखते हैं खासकर? मैं कोई पर्टिकुलर आग देखे को भी कबूतर पाला भी नहीं था, मेरे को पसंद भी नहीं है। अच्छा, मेरे को कबूतर उड़ना चाहिए, जैसे भी उसका आँख है बट कबूतर उड़ना चाहिए। अच्छा, मेरा जो फंडा है, जो कबूतर उड़ेगा वो मेरे लिए रखेंगे, जो कबूतर नहीं उड़ेगा उसके लिए गुड बाय का रास्ता खुला रहता है मेरे पास। सही बात है, सही बात है। तो मतलब आपको ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि ये आँख का होगा तो ही उड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी भी आँख का कबूतर पे मेहनत करो तो डेफिनेटली उड़ेगा, डेफिनेटली उड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे सवाल मैंने किए दादा के पास से। अब दादा को कहूँगा कि आपको कुछ और दिखाना है तो बताइए, वरना हमारा ये दूसरा आखिरी एपिसोड यहीं पर हमारा अंतिम भाग खत्म होता है। ये बहुत सारे कबूतर आप यहाँ से नज़दीक देख लीजिए, मैंने बहुत सारे दादा को सवाल करके परेशान किया, लेकिन आपको नॉलेज इससे बहुत मिलेगा क्योंकि गुजरात में ये अलग किस्म की बर्ड हॉबी कर रहे हैं। ये मेरा भी एक घर का ब्रीड है और एक बच्चा है जो आँख बंद करके मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये मादिन है, आँख बंद करके मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये अगले जो ठंडी का जो उड़ान है ये मेरा चैंपियन होके निकले आएगा। अच्छा, दुआच में है इसका दाना जो है, और आधा सादा है आधा ब्लैक है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कबूतरों का आपको शोक भी करवाता हूँ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई अज्जू भाई आप आँख नहीं दिखाते, पंजे नहीं दिखाते, जो यहाँ के लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कबूतर उड़ता है, कबूतर की ना आँख उड़ती है ना कुछ। हाँ, इसमें एक दो चीजें हैं मैं ऐड करना चाहूंगा, एरोडायनेमिक होना चाहिए, जो क्या है कि इसके नथुने देखिए, आप देखेंगे ना तो बंद है नथुने, बड़े नथुने का कबूतर होता है ना तो वो हाँप जाता है, क्योंकि हवा जो है नाक में ज़्यादा जाएगी, अगर नाक में बहुत हवा जाएगी तो वो हाँप जाएगा तो वो कबूतर नहीं उड़ पाएगा। तो नथुने खास करके मैं जितना मानता हूँ नथुने होने चाहिए, खोपड़ी, छोटी खोपड़ी का बर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए चपटी खोपड़ी है, एरोडायनेमिक। यस यस डेफिनेटली, तो कार में भी मदद करता है, जैसे स्पोर्ट्स कार बनाई जाती है, एयर जेट बनाए जाते हैं, वैसे ही ये परिंदों में भी होता है, जैसे बाज उड़ता है। तो ये चीज़ों का थोड़ा आप साइंस के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो डेफिनेटली दोस्तों आपको टूर्नामेंट में रिजल्ट मिलेंगे। चमुको ब्रीड, बड़े गुलाला इनका कबूतर है एकदम, इस साल का जो कबूतर बाजी था कलकत्ता में 90% कबूतर जो बाजी विन किया ये ब्लड लाइन का कबूतर ने किया। अच्छा, इस ब्लड लाइन के कबूतर ने किया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी मद्रासी ही है ना? ये मद्रासी है बट ये आपको एक हाथ से पकड़ के नहीं रख पाओगी, बॉडी में इतना ताकत है इसके अंदर, ताकत है और बॉडी में इतना ताकत है, और बॉडी आप देख सकते हो कबूतर का टेक्सचर वजूद कहते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत इसका वजूद एकदम है, जबरदस्त एकदम, पूरी आईज भी आप देखिए। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को भी यहीं समाप्त करते हैं। दो एपिसोड बहुत खूबसूरत हमने बनाए, इसमें कुछ अलग जानकारी ली दादा से, उसमें हमने कुछ अलग बातें की, शोक किया वीडियो में। तो और कुछ जानकारी चाहिए, दादा के नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके आप हेल्प आउट ले सकते हैं। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाते हुए कुछ कहना चाहते हैं तो दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए? कुछ नहीं, मैं तो यही करना चाहूँगा, जिसको शौक है तो शौक तो कभी पूरा नहीं होता है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग से वो करेंगे। मेरा ये शौक था, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ बट मेरे को इधर सेटअप करना था तो मैं कर दिया, और मैं मेरा जो शौक है वो पूरा भी कर रहा हूँ, और मेरा फैमिली भी इसके साथ पूरा मेरे को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं मेरे को फैमिली की सपोर्ट नहीं करता, फैमिली सपोर्ट करता है, इसलिए मैं ये शौक पूरा कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं किसी एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा ब्रेक।